रात 3 बजे खुले भोपाल के भदभदा डैम के गेट। कैचमेंट एरिया में तेज बारिश होने से बड़ा तालाब फुल। कलियासोत में भी बढ़ेगा पानी। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भोपाल की जीवन रेखा में एक महत्वपूर्ण घटना घटी है, जब बड़ा तालाब पूरी तरह से भर गया है। कैचमेंट एरिया और सीहोर जिले में तेज बारिश के कारण शुक्रवार सुबह से बड़ा तालाब का पानी बढ़ते जा रहा है। शुक्रवार और शनिवार की रात को जब पानी बड़े तालाब में पूरी तरह से बरस गया तो रात 3 बजे भदभदा डैम के 2 गेट खोल दिए गए। इस तरह की घटना का अंतर्निहित 20 साल के बाद हुआ है, जब जुलाई और अगस्त की बजाय सितंबर में भदभदा के गेट खोले गए हैं। इससे पहले इस प्रकार की घटना वर्ष 2003 में हुई थी। पिछले साल जुलाई में ही गेट खुल गए थे। शुक्रवार को कैचमेंट एरिया में कोलांस नदी का पानी 8 फीट ऊपर तक बह रहा था। इससे बड़े तालाब में पानी का लेवल तेजी से बढ़ गया। शाम को तालाब का स्तर 1666.30 फीट तक पहुंच गया था और रात के दौरान भी पानी की सतर्कता और बढ़ गई। तालाब का पूरा टैंक लेवल 1666.80 फीट होता है। बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया कोलांस नदी के पास है, जो सीहोर जिले से आती है। यही कारण है कि सीहोर जिले में तेज बारिश के समय कोलांस नदी बढ़ जाती है। गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक सीहोर जिले में तेज बारिश हुई। इससे कोलांस नदी का जलस्तर बढ़ गया और बड़ा तालाब में पानी का स्तर भी बढ़ गया। शुक्रवार को कोलांस नदी का स्तर 8 फीट ऊपर था, जबकि बड़ा तालाब का पानी बढ़ता रहा। अब कलियासोत डैम में भी स्तर बढ़ने लगा है। बड़ा तालाब के गुरुवार रात को गेट खोल दिए गए। यह तालाब के कुल 11 गेट हैं। डैम प्रभारी अजय सिंह सोलंकी ने बताया कि गेट खोलने से पहले आसपास सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया था। रात 3 बजे पहला और फिर दूसरा गेट खोला गया। भदभदा के कुल 11 गेट हैं और इसका पानी अब कलियासोत डैम में जारी हो रहा है। इसके बाद कलियासोत डैम में पानी की तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है और उसके गेट भी खुल सकते हैं। कलियासोत डैम का जलस्तर अब 1652 फीट है और डैम की कुल जल भराव क्षमता 1659 फीट है। कोलांस नदी में अच्छा पानी आने से बड़ा तालाब का लेवल बढ़ गया है। भोपाल जिला का रेड जोन अब बाहर है। यद्यपि यहाँ से आई बारिश में अभी तक 19% की कमी है। भोपाल में अब तक कुल 29.83 इंच बारिश हुई है, जबकि नॉर्मल में 36.72 इंच की बारिश होनी चाहिए थी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।